बावलोग एक वेब सीरीज आई है मलयाली इंडस्ट्री से, जिसमें हो रही घटना देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सीरीज का नाम है थाउजेंड बेबीज। अब ये थाउजेंड बेबीज क्या है वो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिल जाएगा। और सीरीज फॉलो करती है क्राइम थ्रिलर एंड बंच ऑफ मिस्ट्री को। ANI इस केस में इन्वॉल्व है तो कुछ बड़ा। बाकी ब्रीफली बात कर लेते हैं कि आपको सीरीज के सातों एपिसोड में क्या क्या मिलेगा। तो बाबा स्टार्टिंग बहुत सॉलिड है, बिल्कुल कनेक्ट कर देगी और मिस्ट्री यहां तक बिल्कुल रिवील नहीं होगी। फर्स्ट एपिसोड तो आपको बिल्कुल हॉरिबल लगेगा। एक नर्स है जिसने ऐसा हीनस क्राइम कर रखा है और उसने 1000 बच्चों की डिलीवरी कर रखी है, लेकिन उनके साथ जो घटना करी है उसने वो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा जघन्य अपराध उस नर्स ने किया जिसका नाम सारा होता है, और अब वो अपने बुढ़ापे की उम्र में वो अपराध इसका नाइटमेयर बन के दिन पर दिन इसे परेशान कर रहा होता है। और एक मार्कर से पूरे दिन वो अपने रूम की दीवारों पर उन 1000 बेबीज की फुल डिटेल लिखती रहती है, जिसका एक बेटा होता है बिबिन नाम का, जिसे अपने से दूर वो कहीं नहीं जाने देती है। और ये फर्स्ट एपिसोड का बिल्डअप सॉलिड एंड अनमैचेबल था। बिबिन काफी कम बातचीत करता था, लेकिन कहानी सेकंड एपिसोड से थोड़ा इधर उधर होने लग जाएगी, पर ऐसा नहीं कि मजा नहीं आएगा। सस्पेंस एंड मिस्ट्री ऑसम है, बहुत घुमाया जाएगा तुम्हें, क्योंकि एक ऐसा अलग इवेंट दिखाया जाएगा जहां एक मलयाली एक्ट्रेस मर जाती है, जिसे मारने वाला उसका ही हस्बैंड होता है जो मलयाली इंडस्ट्री में एक स्टोरी राइटर का काम करता है। ठीक है, कहानी यहां बिल्कुल अलग हो गई और अलग चल रही थी, लेकिन इसके पीछे भी मेकर की चाल थी, क्योंकि जो 1000 बेबीज वाला हीनस क्राइम था वो भी यहां से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। और जो ऑफिसर इस केस को सॉल्व करता है वो ऑफिसर फिर 1000 बेबीज वाला केस भी सॉल्व करेगा आगे जाकर। दैट्स व्हाई कि इस इवेंट को दिखाया गया, ताकि एक हमें बेस्ट ऑफिसर मिल सके। पर ये एक ऐसा क्राइम था जिसपे ऊपर के सुप्रीम ऑफिसर्स एंड लीडर ने जनता से छुपा के ही रखा इस मैटर को, क्योंकि ऑब्वियसली ये न्यूज मार्केट में आ जाए तो उन सारे 1000 बेबीज के घर में भूचाल आ जाएगा। थर्ड एपिसोड से स्टोरी अपनी स्पीड में चलती है, लेकिन बहुत सी अननेसेसरी चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि स्टोरी यहाँ खींचने का काम चल रहा था और कुछ नहीं, सॉर्ट कर सकते थे। हाँ, बीच में मिस्ट्री एंड सस्पेंस का लेवल थोड़ा प्रिडिक्टेबल भी होने लगेगा, दैट्स वाई कि स्टोरी बीच में थोड़ा सा भटकेगी और कुछ नहीं। लेकिन जो अपना मेन विलेन है वो विबिन है, उसी नर्स का लड़का, लेकिन ये लौंडा भी इसने अडॉप्ट ही किया था, और इसको भी उस नर्स ने ऐसा पाला, किसी से ना मिलने देती थी, बिल्कुल इंट्रोवर्ट टाइप। और अपनी माँ उस नर्स को भी इसी ने मारा था बाद में, क्योंकि जब इसे सच्चाई पता चली थी। दरअसल उस नर्स ने 1000 बेबीज की अदला बदली करी थी उनके पैदा होने के समय, जस्ट पैदा होने के समय, मतलब 1000 परिवार में उनके रियल बच्चे नहीं थे उनके हाथ में, एक दूसरे के बच्चे थे, किसी और के बच्चे वो पाल रहे थे। तो समझ सकते हो भाई, मेरी खोपड़ी हिल गई थी एक बार के लिए, क्योंकि ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता भाई। वहां लोग जाते हैं भरोसा करके, और उस भरोसे का माँ का भरोसा ऐसे होगा भाई, अलग लेवल का था। तो दैट्स वाई कि ये जो मुद्दा था बहुत ही दमदार मुद्दा था। दूसरा, विबिन कहीं ये बात लीक ना कर दे पूरे स्टेट में, एंड इसी के साथ साथ वो लोगों को भी मार रहा था। किनको? उनको मार रहा था जो अपने परिवार के साथ ठीक ठाक बर्ताव नहीं कर रहा था, वो बदले अदला बदली वाले बच्चे, उनको, जो अनवर्दी एक्ट कर रहे थे। बस यही सब मिस्ट्री आपको इस पूरे वेब सीरीज में देखने को मिलेगी। सस्पेंस बढ़िया है, जिसका सेकंड सीजन भी प्रॉमिस करा गया है, और भी बहुत कुछ इस शो में आपको मिलेगा। बाकी क्लाइमैक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट जो एपिसोड आएगा भाई दमदार है वो। तुम्हें लगा कि मैं सॉल्व कर चुका हूँ गुत्थी, लेकिन बाबा कहीं ऊपर जाएगा ये आपकी सोच से। तो मिस्ट्री का लेवल ठीक ठाक है, तो कुछ नहीं है, तो जाओ देखो, मजे लो, वेब सीरीज दमदार है बाबा। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी। जय हिंद।